चाचा, हे चाचा, चाचा, अरे चाचा उठ जाओ, अब तक सो रहे हो? अरे हम सो रहे हैं, अरे तुम्हारा दिल काहे फट रहा है, सोने दो अभी। बिग बॉस चाहते हैं चाचा जी उठ जाएं अभी। अरे बड़े बॉस, हम उठ गए तो हमको पेखना लग जाएगा, यहाँ तो खेत भी नजर नहीं आ रहा है। अरे चाचा यहाँ बाथरूम है, खेत में जाने की जरूरत नहीं है। अरे बचुआ तुम समझ नहीं रहे हो, हमको खुले खेत की आदत है, ये सब छोटे रूम में हमारा नहीं निकलेगा, हमें खुले आसमान के नीचे लोटा लेके बैठने की आदत है। चाचा लगता है आप टॉयलेट एक प्रेम कथा नहीं देखे हो, देखिएगा जरूर। अरे भाईवा तुम काहे रो रहे हो, टॉयलेट में इसी की प्रेमिका थी क्या? भाई काहे रो रहे हो? क्या बताएं चाचा, हम अपनी मिसेस को बहुत मिस कर रहे हैं, उसको अकेले छोड़कर हम कहीं नहीं गए हैं। बाथरूम भी साथ साथ चले जाते थे क्या भैया? अरे शांत हो जाओ बबुआ। बिग बॉस चाहते हैं आप सभी नहा लें, काफी बदबू आ रही है आप सब में से। दरअसल बड़े बॉस क्या है ना, हमें गैस की बीमारी है, शायद उसी की बदबू आ रही होगी। साला वही हम सोचे, टमाटर की बदबू कहाँ से आ रही है? टमाटर खाए थे क्या चाचा? अरे हमको कल से आलू की भी बदबू आ रही थी। अरे वो तो हम खा के छोड़े थे। बिग बॉस चाहते हैं आप लोग यहाँ एयर पोल्यूशन न फैलाएं, सब फ्रेश हो जाएं, उसके बाद आपको एक टास्क दी जाएगी। बिग बॉस हमें अपनी महबूबा से मिला दो, उसकी बहुत याद आ रही है। आप चिंता ना करें, आपकी महबूबा बाहर खुश है, उसने अपना ख्याल रखने के लिए बाहर एक आदमी रखा हुआ है। चलो बढ़िया है फिर तो। अरे चटनी सिंह, बिग बॉस ने क्या बोला सुना तुमने? नहीं समझा चाचा। अरे वो दूसरा मर्द ढूंढ ली है, आउट टू अंडर बिग बॉस में बैठा है। नहीं नहीं नहीं, हमको बाहर जाना है, बिग बॉस हमको बाहर निकालो, मेरी बेगम ऐसे कैसे कर सकती है? बिग बॉस दरवाजा खोल दो, हमें बाहर जाना है। अब तो दरवाजा नहीं खुलेगा, अब यहीं मरो तुम, जब तक तुम बाहर निकलोगे तब तक तुम्हारी बीवी तुम्हें अपने नए बच्चे से मिलवाएगी। अरे कहीं हमारी बीवी तो किसी दूसरे के साथ नहीं ना होगी? अरे चाचा बुढ़ापे में बुढ़िया नहीं भागेगी। बुढ़िया किसको बोला बे? अरे चाचा बुढ़िया को बुढ़िया नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देखो बेटा ऐसा है, उसका नाम बुढ़िया नहीं गुड़िया है, समझे? और ज्यादा कुछ बोलोगे ना, ये चप्पल तुम्हारे गाल पे दो नंबर छाप देंगे। अरे चाचा जी मजाक कर रहा हूँ, आप गुस्सा काहे हो रहे हो? बिग बॉस आप सबको एक टास्क देते हैं, आप सबको बताना है कि अब तक आपने अपनी जिंदगी में सबसे गंदा काम क्या किया है। बिग बॉस हम एक दिन खेत में लोटा लेके गए थे और पानी गलती से गिर गया था और हम बिना धोए ही वापस आ गए और घर आकर भी धोना भूल गए थे। अरे चाचा अब तक तो आपका सूख गया होगा। हाँ बेटा हमें कम से कम 10 दिन लगे थे नॉर्मल होने में। अब मेरी बारी। बिग बॉस मेरी जिंदगी का सबसे गंदा काम है, मैंने गुस्से में एक दिन बीवी की लिपस्टिक में फेविकोल लगा दिया था ताकि उसका चपड़ चपड़ हमेशा के लिए बंद हो जाए, जैसे ही उसने लगाया उसका होंठ चिपक गया और मुझे बहुत मजा आया। उसने किसी को बताया नहीं? किसी को बताती कैसे, होंठ तो चिपका हुआ था। अरे हो गया शांत हो जाओ, फालतू में सड़े सड़े दांत दिखा रहे हो, अब अगले को बोलने दो यार। बिट्टू तुम बोलो बाबुआ। हाँ चाचा, मैंने जो सबसे गंदा काम किया है वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है। ऐसा क्या कर दिया बे? मुझे स्कूल में एक लड़की से प्यार हो गया था, उसे मैंने लव लेटर दिया, पर उसने मेरे सामने वो लेटर एक लड़के को दे दिया। फिर तुमने क्या किया बे? अरे चाचा मैं भी ठहरा हरामी लड़का, मैंने उसी वक्त उन दोनों की फोटो खींची और लड़की के बाप को दिखा दी। फिर तो उस लड़की को बहुत मार पड़ी होगी। अरे चाचा उसके बाप ने उस लड़के और लड़की की शादी करवा दी और बोला कि मैं लव मैरिज को सपोर्ट करता हूँ। इससे गंदा काम मेरे लिए क्या होगा चाचा, आप ही बताओ। अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने। बिग बॉस बताना चाहते हैं कि इससे गंदा काम मैंने नहीं सुना, इसी बात को सुनकर बिग बॉस का विनर बिट्टू सिंह बनता है। मैं जीत गया ये।
अब बनवाइए अपनी मनपसंद वेबसाइट कम दामों में और अपने बिजनेस को ले आइए ऑनलाइन। आज ही लॉगिन करें pmwebsolution.in या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू कॉन्टैक्ट करें और अपने आइडिया के अनुसार बनवाइए अच्छी से अच्छी वेबसाइट। PM Tunes